इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईसीसी इंटरनेशनल T10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 के बारे में। आज का मैच 2 आपका खेला जाएगा LUX और GRE टीम के बीच में। मैच आपका दोस्तों स्टार्ट होगा 5:15 से, ठीक ना। इस वीडियो में देखो इस मैच के रिगार्डिंग चाहे दोनों टीमों का दोस्तों प्लेयर का स्टैट्स हो, प्लेयर का रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस हो, कौन प्लेयर T10 में कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, क्या उसका बॉलिंग रिकॉर्ड है, कब बॉलिंग करेगा दोस्तों, कब बैटिंग करेगा, सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। क्योंकि पहला मैच है दोनों टीमों का, तो रिकॉर्ड के बिना तो आप टीम बना ही नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यदि आपने रिकॉर्ड को बिना देख के टीम बना लिया है तो दोस्तों भगवान बचाए आपको। तो कोशिश कीजिएगा पहले रिकॉर्ड को समझे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टीम लेके जाए। ऐसे मैंने फाइनल टीम अपना शेयर कर दिया है, उसको भी आप सेव कर सकते हैं। कोई चेंज या कोई अपडेट उस टीम में करना होगा तो फाइनल टीम में एक बार फिर से आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। आपने हाँ टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो कैसे फाइनल टीम देखोगे, कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक ना आप कमेंट सेक्शन में चेक करो ना, वहाँ पर भी पहला कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे क्या होगा ना आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन कम से कम मिलता तो रहेगा ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं LUX और GRE के मैच में क्या कॉम्बिनेशन अपना लेके चलेंगे। और दोनों टीमों का फर्स्ट मैच है तो उनके प्लेयर का रिकॉर्ड तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां पे पहला ऑप्शन है ए मोहम्मद। ओवरऑल यदि आप इनका T10 का रिकॉर्ड देखोगे तो अभी तक 47 मैच खेले हैं T10 में, 558 रन बैटिंग से स्कोर किए और 47 मैच में 22 विकेट बॉलिंग से लिए हैं। रीसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देखें, इस साल इन्होंने क्या दोस्तों किया है, तो इस साल इन्होंने 9 मैच खेले हैं T10 में, जहां पे बैटिंग से 98 रन स्कोर किए और 9 मैच में बॉलिंग से 12 विकेट लिए हैं। तो नाम कहां पे दिया गया है दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन में। मैं बता दूं दोस्तों ए मोहम्मद ना कभी भी विकेट कीपिंग कर सकता है, कभी भी बॉलिंग कर सकता है। तो इनका जो फाइनल डिसीजन होगा, क्या ये भैया जी इस मैच में विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो मैं किसी टीम में नहीं लूंगा, लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों 9 मैच में 12 विकेट ये भी तो याद रखना होता है ना। तो फिर यदि ये विकेट कीपिंग नहीं करेंगे ना तो टीम में लेना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक ना। दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, मैं खुद आपको बता दूंगा, बस रिकॉर्ड अभी के लिए आप देख लो। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों यार 31% सिलेक्शन है क्या, ऐसा रिकॉर्ड कुछ अच्छा है क्या, एवरेज ही रिकॉर्ड है। आप ओवरऑल देखोगे तो 9 मैच में 116 रन है T10 में, और 2024 में इन्होंने 6 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 103 रन का स्कोर किया, तो रिकॉर्ड जस्ट ओके है। ओपन बैटिंग करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर इन्होंने इस साल सिर्फ ओपन ही बैटिंग किया है, ओपन बैटिंग करते तो नॉट अ बैड ऑप्शन। JMM उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, 4 मैच खेले T10 में 74 रन ही स्कोर कर पाए। और एक और चीज़ है ना, JMM बैटिंग नीचे करने आता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, और क्या दोस्तों। नीचे आओगे A-Singh का ऑप्शन मिलेगा, A-Singh 9 मैच खेले T10 में, बैटिंग से 143 रन का स्कोर आपको मिलेगा और 9 मैच में बॉलिंग से 2 विकेट मिलेगा। बॉलिंग दोस्तों 9 के बराबर करते हैं, नाम का खाली बॉलर है, काम दोस्तों इनका बैटिंग से रहेगा। विकेट कीपिंग दोस्तों ये तभी करेंगे जब दोस्तों ए मोहम्मद आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। यदि ए मोहम्मद विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर ये आपको विकेट कीपिंग नहीं करते हुए दिखेंगे। देखो चारों ऐसे प्लेयर हैं ना, कोई भी मेरे को बहुत एकदम जबरदस्त प्लेयर नहीं लगा है, चारों एक जैसे ही प्लेयर है। मैं आपको सिंपल सा क्या रिकमेंड करूँगा, ए मोहम्मद का तो मैंने बता ही दिया, इनका मैं आपको टॉस के बाद खुद अपडेट दे दूंगा। बचे हुए जो भी प्लेयर है ना, इनमें से जो भी ओपन बैटिंग करेगा उसको आप ले लेना, मेरे अकॉर्डिंग ये ओपन बैटिंग करने चाहिए, इसलिए मैंने अभी के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को लिया है। बैटिंग सेक्शन में T-Barker बहुत खतरनाक प्लेयर है दोस्तों, अंधाधुन बर्बाद करके मारता है, एकदम तगड़ा फोड़ता है बोले तो। रिकॉर्ड भी देखोगे तो 25 मैच खेले T10 में, 480 रन स्कोर कर चुके हैं। सिर्फ इस साल का परफॉर्मेंस देखे तो इस साल 12 मैच खेले हैं और 267 रन का स्कोर किए हैं। दोनों तरफ से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ओवरऑल या इस साल जरूर लेके चलिए। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा
ग्रीस के एक और प्लेयर दोस्तों सीबोर्न, इन्होंने इस साल कुछ खास परफॉर्मेंस सच बताऊं तो नहीं किए हैं। इस साल 4 मैच खेले टी10 में और सिर्फ 44 रन का स्कोर किए। काहे को इनको टीम में लेना, सिलेक्शन से मतलब नहीं है दोस्तों, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। नीचे आर मोहम्मद का ऑप्शन मिल जाएगा, इनका भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो 7 मैच खेले हैं टी10 में जहां पे बैटिंग से 91 रन स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है दोस्तों इनका भी। ए ओशो, इनका भी रिकॉर्ड देख ले, 6 मैच खेले टी10 में इस साल जहां पे बैटिंग से 89 रन का स्कोर किया है, इनका भी दोस्तों और सब जैसे प्लेयर है उन्हीं के जैसा इनका भी रिकॉर्ड है। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेंट स्ट्रॉम का, इनका भी रिकॉर्ड देख लिया जाए तो 6 मैच खेले टी10 में और 75 रन का स्कोर किया है, यार कोई तो अच्छा परफॉर्मेंस करे। नीचे आओगे दोस्तों ए अली का ऑप्शन मिलेगा, 5 मैच खेले टी10 में 89 रन स्कोर किए हैं। जे कोटस, इनका तो और भी खराब रिकॉर्ड है, 9 मैच खेले दोस्तों टी10 में और 14 रन स्कोर किए। बॉलिंग इन्होंने किया है, 9 मैच में आप देखोगे 5 विकेट लिए 8 ओवर का बॉलिंग करके, लेकिन स्टिल यार 9 मैच में 8 ओवर समझ रहे हो, ये तो सभी मैच में एक एक ओवर का भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा उम्मीद आपको रखना बेकार ही है। इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है दोस्तों, 14 मैच खेले टी10 में 99 रन स्कोर किए। तो देखो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से ना सच बता रहा हूँ, टी बार्कर के अलावा और जितने भी ऑप्शन है ना किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और ये भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मैचों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं टी बार्कर को टीम में लिया हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में भी बेस एक बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, इस साल सिर्फ टी10 में आप देखोगे 6 मैच खेले हैं, 189 रन स्कोर भी किए हैं और 6 मैच में 1 विकेट भी लिए हैं 4 ओवर बॉलिंग करके। बॉलिंग तो चलो काफ़ी कम करते हैं लेकिन बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, 100% लेके चलिए। ई पैकर्ड, ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, 12 मैच खेला है टी10 में, 178 रन बैटिंग से और 12 मैच में 208 विकेट बॉलिंग से भी लिए 17 ओवर का बॉलिंग करके। लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग आपको कंफर्म करके देगा। एस अफरीदी बहुत अच्छा दोस्तों ग्रीस का प्लेयर है, रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है। इस साल 15 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से 332 रन तो इन्होंने अकेले ही स्कोर किया है और 15 मैच में 15 विकेट भी लिए और 24 ओवर का बॉलिंग भी किए, तो कंफर्म टीम में लेके चलना है। नीचे दोस्तों आपको टीम मार्टिन का ऑप्शन मिलेगा, इस साल 4 मैच खेले टी10 में जहां पे आपको 43 रन का स्कोर किए और 4 मैच में 1 विकेट लिए हैं दोस्तों 3 ओवर का बॉलिंग करके। एवरेज ही रिकॉर्ड में बोलूंगा, ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं है। नीचे दोस्तों एस करण गिल एक बहुत अच्छे प्लेयर है दोस्तों, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है। एक और चीज़ है, रीसेंट मैचों में इन्होंने थोड़ा बॉलिंग कम करना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है पता नहीं क्यों, लेकिन बैटिंग से ना अच्छा खासा आपको पॉइंट दे जाएंगे। 8 मैच खेले दोस्तों इस साल टी10 में, 188 रन बैटिंग से स्कोर किए और 8 मैच में बॉलिंग से 3 विकेट लिए हैं 6 ओवर बॉलिंग करके। देखो बॉलिंग जैसा मैंने बोला इस साल कम किए हैं लेकिन बैटिंग यार देख रहे हो कितना ज़बरदस्त है, कैसे आप हटा दोगे बताओ, तो बस टीम में लेके चलो नहीं हटाना। तो नीचे आ जाओ दोस्तों बी दीक्षित का ऑप्शन मिलेगा, इस साल 3 मैच खेले हैं दोस्तों टी10 में, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, 10 रन ही स्कोर कर पाए और 1 विकेट लिए 2 ओवर बॉलिंग करके। देखो बी दीक्षित था ना, आप दो तरह से रिकॉर्ड समझो, यदि आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे ना टी10 में बोलोगे यार क्या प्लेयर है, इन्होंने ओवरऑल 9 मैच खेले टी10 में जहां पे बैटिंग से अकेले 200 रन स्कोर कर गए, लेकिन यार इस साल इन्होंने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया। इस साल 3 मैच में सिर्फ 10 रन स्कोर किए हैं, मतलब कि अदर 6 मैच में इन्होंने 190 रन स्कोर किया था, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस था, लेकिन लास्ट 3 मैच अच्छा नहीं किया है। मैं अभी नहीं ले रहा हूं, पर यदि ओपन बैटिंग करते तो ये मत समझना कि 10% सिलेक्शन है तो बकलोल प्लेयर है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, 9 मैच में 200 रन है। रिसेंट मैच खराब गया लेकिन ओपन बैटिंग करते तो दोस्तों कुछ भी कर सकते क्योंकि बैटिंग विकेट है, 150 रन तो दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर है, तो बैट्समैन पे फोकस रखना पड़ता है। ओके नीचे दोस्तों आपको नेकुलस का ऑप्शन मिलेगा, स्टैट्स इनका अवेलेबल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यदि ये खेलेंगे तो मैं स्टैट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इनका दोस्तों स्टैट्स मेरे पास अवेलेबल है स्काई रिडन का, इन्होंने दोस्तों टी20 में 12 मैच खेल के आ रहे, 126 रन बैटिंग से स्कोर किए और 3 विकेट बॉलिंग से लिए, उतना शानदार रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से जी गई, कमाल का बॉलर है मैं बता रहा हूँ, ये बंदा डेथ में आएगा। और ध्यान रखना इस टूर्नामेंट में बहुत ऐसा मैच आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ये 3-3 विकेट एक एक ओवर में निकाल सकता है। इस साल 5 मैच खेले टी10 में, 57 रन बैटिंग से स्कोर किए, बैटिंग भी कर लेते हैं
और 5 मैच में 5 विकेट भी लिए हैं 10 ओवर का बॉलिंग करके। कमाल का प्लेयर है, बहुत अच्छा है, स्टैट्स है, लेना एकदम कन्फर्म रखिएगा। और एज इनको कैप्टन भी सी भी आज चाहो ना तो आप ट्राई कर सकते हो, मना नहीं है, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं। ए ममूद कमाल का बॉलर है, आते ही 200 आपको पहलक के बॉल 200 पैर पे आके मारता है, यदि आपने मिस किया तो डायरेक्ट ये बॉल 200 घुस जाएगा विकेट में और बोल्ड हो जाओगे। रिकॉर्ड आप इनका देखोगे तो 10 मैच ही खेले T10 में, लेकिन 10 मैच में 16 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विकेट में कोई कमी नहीं है। नीचे एस खान का ऑप्शन मिलेगा, इस खान इस साल 18 मैच खेले T10 में 277 रन बैटिंग से किए हैं और 18 मैच में बॉलिंग से भी 11 विकेट लिए हैं 34 ओवर का बॉलिंग करके। भाई लेना इंपॉर्टेंट है, 2 ओवर का बॉलिंग और आपको बैटिंग भी तो करके दे रहा है। नीचे आएगा जे मैडान, इनका रिकॉर्ड देखा जाए पहले तो इस साल इन्होंने 10 मैच खेले हैं, 139 रन 200 इन्होंने बैटिंग से किया है और 10 मैच में 6 विकेट लिए 12 ओवर बॉलिंग करके। क्या बोलते हो 200, रिकॉर्ड तो खराब नहीं है, ऐसा रिकॉर्ड है कि हम लोग फोकस कर सकते हैं और सिलेक्शन कम है। मेरे को ज़्यादा लालच देखने में तब लग रहा है जब इनका मैं देख रहा हूँ यार सिलेक्शन कम है। हम लोग को 2 ऑप्शन लेना है, ठीक ना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं इनको ले लेते हैं अभी के लिए, लेकिन यदि 200 इधर से ए मोहम्मद विकेट कीपिंग नहीं करता है तो फिर आप इनको ड्रॉप करके आप इधर से ए मोहम्मद को ले लेना। यदि ए मोहम्मद विकेट कीपिंग करता है तो फिर मैं सेम चला जाऊंगा, ओके ना। साहेब को तो मैं लेना चाहूँगा, साहेब एक अच्छा बॉलर है, इस साल 5 मैच खेले T10 में 56 रन बैटिंग से भी किए हैं और बॉलिंग से भी 4 विकेट लिए 9 ओवर का बॉलिंग करके। डैट मीन्स कन्फर्म सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग भी कर रहे हैं। 5 मैच में 56 रन 200 एवरेज आप देखोगे तो पर मैच आपको 11 से 12 रन स्कोर भी कर ले रहे हैं। अब क्या चाहिए भाई लोग, क्या चाहिए बताओ ना। चलो अब बात कर लेते हैं कैप्टन बीसी ऑप्शन किसको करना है। भाई साहब ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया ना भाई लोग, कैप्टन बीसी किसको करोगे बताओ, पहले आप ही बताओ, बताओ कैसे करोगे कैप्टन बीसी। हाँ आप अभी आप कैसे बोलोगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका इस मैच का कैप्टन बीसी कौन है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी प्लेयर है उसमें सबसे ज़बरदस्त मेरे को कोई ऑलराउंडर लग रहा है इस मैच में जो आपको अच्छा करके दे सकता है, सीधा सीधा मैं से एस अफरीदी, मैंने इनको कैप्टन कर लिया। बीसी के लिए देखो सभी लोग इनको कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं भी बेगेस बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन बॉलर उतना अच्छा नहीं है, तो कैप्टन थोड़ा रिस्की लग रहा है। बीसी आप कन्फर्म कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ई पे कार्ड अच्छा दोस्तों, ये भी बैट्समैन है, बॉलिंग थोड़ा सा रिसेंट मैच इनका खराब गया है पर ठीक ठाक प्लेयर है, ये भी बीसी आप इनको भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। एस करण गिल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप रिस्क लेने वाले बंदे हो और हाथ में हाथ मिला के रिस्क ले सकते हो तो आप इधर से इस पर भी ज़रूर फोकस रखिएगा। जिस दिन इनका दिन रहा उस दिन दोस्तों आपको 3 से 4 विकेट निकाल के दे सकते हैं एक मैच में, तो आप रिक्स लेने वाले बंदे हो तो आप इन पे भी फोकस रख सकते हो, कहीं से भी खराब ऑप्शन नहीं है, ओके ना। मैं भी के लिए थोड़ा सा सेफ ही जाता हूँ, काहे को इतना रिक्स ले, सेफ चला जाता हूँ क्योंकि बैटिंग विकेट है। अब ध्यान है जो ग्रुप ए का मैच हुआ था एक प्लेयर था दोस्तों ये वाले टीम में IOM की टीम में, नाम था दोस्तों EBR बैटिंग सेक्शन में, याद होगा आपको। जब भी IOM टीम की मैच खेलती थी टीम, हमेशा मैं उसको कैप्टन बीसी करता था, वो बॉलिंग नहीं करता था लेकिन बैटिंग से सभी मैच में 50 रन करता था, तो सेम काम ये प्लेयर भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने बीसी कर दिया है। सेव कर लीजिए कम्बिनेशन, कोई चेंज कोई अपडेट इस टीम में करना भी होगा तो मैं हूँ ना यहाँ बैठा हूँ, मैं खुद आपको फाइनल अपडेटेड कम्बिनेशन एक बार टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा लाइनअप आने के बाद, ओके ना। कोई चेंज होगा तो कर लीजिएगा। हाँ यदि आपने टेलीग्राम को ही नहीं ज्वाइन किया तो फिर कैसे चलेगा भाई लोग, कर लीजिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आप कमेंट सेक्शन में चेक करो ना, वहाँ पर भी पहला कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।